रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग से पहले अपने ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत की, लेकिन उसके स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अगले कुछ दिनों में टीम से जुड़ेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इंडियन प्रीमियर लीग में डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 22 मार्च को पहला मैच खेलना है। अधिकांश घरेलू खिलाड़ी नए मुख्य कोच एंडी फ्लावर और क्रिकेट निर्देशक मो बोबाट के मार्गदर्शन में शिविर में पहुंच गए हैं। कप्तान फाफ डुप्लेसी और वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अलजारी जोसेफ भी शिविर में पहुंच गए हैं। विराट कोहली पितृत्व अवकाश के कारण इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज भी नहीं खेले थे। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, विराट कोहली अगले कुछ दिन में पहुंचेंगे। कोहली टीम के सालाना कार्यक्रम आरसीबी अनबॉक्स में भी पहुंच सकते हैं, जिसमें प्रशंसकों को अपने पसंदीदा सितारों की झलक देखने का मौका मिलता है। आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने आरसीबी बोल्ड डायरीज में कहा, फ्लावर शानदार कोच है और टीम खुशकिस्मत है कि वे हमारे साथ है। वहीं फ्लावर ने कहा, हम आरसीबी की कहानी का नया अध्याय लिखेंगे और यह हमारी खुशकिस्मती है, हम इसे लेकर काफ़ी रोमांचित हैं। पिछले आईपीएल सीजन में कोहली ने 14 मैचों में 54 की औसत से 639 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल थे। इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 101 रन रहा।